हेलो बॉन्जोर नमस्ते सत श्री अकाल आदाब माय नेम इज अभिषेक जाधव एंड यू गाइस आर वाचिंग लॉस्ट इंडियन। तो बेसिकली आज है डे 3 ऑफ 7 डेज चैलेंज। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज कॉलेज पोर्टल। जब भी आप कनाडा में नए आते हो आपको पता नहीं चलता कि कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करती है, एज वेल एज असाइनमेंट क्विजेस कैसे होते हैं, कहाँ पर सबमिट करने होते हैं, प्रोफेसर से कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉलेज के लिए रजिस्टर कैसे करते हैं और टाइम टेबल, मतलब बहुत सारी बातें आज हम करने वाले। तो मेक श्योर करें आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलेज का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। तो वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा, तो जो अभी आपको कॉलेज से ऑफर लेटर आती है उस पर जो स्टूडेंट नंबर मेंशन किया जाता है वो आपका एक काइंड ऑफ यूज़र नेम होता है और उसका पासवर्ड मेरे कॉलेज में पर्टिकुलरली डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो होता है फर्स्ट टाइम पासवर्ड। तो वो डालने के बाद आप एनरोल कर सकते हो कि आपके हमने ये माई सेंटिनल का एक पोर्टल आ गया है, इस पर आप यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर दोगे और इसके बाद अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है आप कर सकते हो। तो ये पेज पे लॉगिन करने के बाद आपको सीधा ये पेज दिखेगा और ये पेज पे आने के बाद आपको मैं बेसिक बताऊँ तो जो लेफ्ट हैंड साइड में दो चीज़ें दी गई है जैसे कि होम एंड स्टूडेंट। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो होम पेज पे इन्होंने सारी चीज़ें ओवरऑल डिस्प्ले की है, जैसे कि ईमेल, इफ यू क्लिक ऑन द ईमेल इट विल डायरेक्टली टेक यू टुवर्ड्स द आउटलुक अकाउंट। अगर आपके कॉलेज में आउटलुक चलता है तो ये आउटलुक से आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। एज वेल एज मैं बात करने तो यहाँ पे एक ई सेंटिनियल है। तो बेसिकली हमारे कॉलेज में दो चीज़ें, एक माई सेंटिनियल एंड ई सेंटिनियल। तो माई सेंटिनियल में प्रॉपरली आपका स्टूडेंट का प्रोफाइल होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कोर्स से लेके कोर्स क्रेडिट, फिर आपका टाइम टेबल, आपकी फीस, एज वेल एज आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस से लेके ईच एंड एवरीथिंग। वेरा जो ई सेंटिनियल है उसमें आपको सारी स्टडीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि आपका कोर्स कौन सा है, कोर्सेज में असाइनमेंट को। सेंटिनल में देखने आए तो यहाँ पे फर्स्ट ईमेल एज वेल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टूडेंट की सर्विसेज है उसके बारे में दिया गया, और फिर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम डिटेल में अलग सेक्शंस में जाके बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन दिया है तो उसके अंडर हम देखेंगे तो फर्स्ट सेक्शन की बात आती है वो है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है। अगर आपको इस पे से पता नहीं चलता है तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे उन्होंने वीडियो गाइड भी बनाई है, आप उसका बेनिफिट लेके वीडियो ज़रूर चेक करना और फिर रजिस्ट्रेशन करना, आपको उसका बेनिफिट होगा। फिर हम बात करने हैं तो यहाँ पे टाइम टेबल एज वेल एज जो आपकी कोर्स लिस्ट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, और इसमें मैं मेन बात करने हैं तो रजिस्ट्रेशन में आपको जो स्टूडेंट के लिए मतलब सेंट्रल कॉलेज में जो जो सर्विसेज है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रजिस्ट्रेशन सेक्शन के अंडर में आती है वो है यहाँ पे जब भी आपको ऑफर लेटर आता है और आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है कॉलेज के लिए, तभी यहाँ पे ये जो IRCC के डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज जो बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आपको यहाँ पे करने हैं। तो ये था रजिस्ट्रेशन सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करने हैं तो इसमें ऑफकोर्स आपकी स्कॉलरशिप से लेके आपकी फीस पेमेंट से लेके आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो जब भी आप टैक्स अप्लाई करते हो तो आपको टैक्स के लिए दो फॉर्म जो ज़रूरी होते हैं T2202A एज वेल एज T4A, ये फॉर्म आपको यहाँ से मिलेंगे। और फिर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्यों सबमिट करनी है, क्योंकि आप जब भी स्कॉलरशिप मिलती है आपको तभी आपके जो पैसे वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, और फिर अगर आपको फीस पेमेंट करनी है तो आपका जो अकाउंट है उससे पे कर सकते हो, सो दैट आपको जो रिसिप्ट बन के आएगी वो आपको खुद के अकाउंट की मिलेगी। तो ये दो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना, एज वेल एज स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने एक सेपरेट ऑलरेडी वीडियो बना दी गई है, अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एक्सटर्नल स्कॉलरशिप जो होती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये था बेसिक फाइनेंशियल सर्विस, बट इसमें मैं एक मेन बात बताऊँ तो आपकी जो अकाउंट की समरी है वो हर सेमेस्टर के हिसाब से आपके अकाउंट में कितने पैसे क्या है क्या नहीं है प्लस माइनस में सारी चीज़ें आपको अकाउंट बैलेंस में दिखाई देगी, तो ये चीज़ हमेशा चेक करते रहना। और इसमें मैं एक मेन बात और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि माई कार्ड। तो माई कार्ड ये एक स्टूडेंट का कॉलेज आईडी होता है, वो आपको कैसे मिलता है, तो ये आईडी मिलने के लिए आपको यहाँ पे जो पर्टिकुलर साइज़ की जो फोटो है विथ वाइट बैकग्राउंड वो आपको अपलोड करनी है, देन ओनली यू विल गेट योर माई कार्ड। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ पे डायरेक्ट इन पर्सन विजिट करके वहाँ पे फोटो क्लिक करके आप माई कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। तो ये था एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़। तो इसके बाद का पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में आपके सारे ग्रेड्स से लेके आपके जो भी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए ईच एंड एवरीथिंग, आपके डिग्री ऑडिट से लेके ट्रांसफर क्रेडिट से लेके ईच एंड एवरीथिंग इसमें मेंशन होगी। तो मेक श्योर करें आप
स्टूडेंट रिकॉर्ड्स भी हमेशा चेक करते रहे। तो बेसिकली मैं आपको इसमें बताना चाहूँ तो ये स्टूडेंट्स के जो ग्रेड्स लगते हैं वो हर एक सेमेस्टर वाइज इसमें आपको शो करेंगे, एज वेल एज अगर आप ग्रेजुएट होने वाले हो तो आपको जो ट्रांसक्रिप्ट के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है तो आप यहाँ से वो ट्रांसक्रिप्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। एज वेल एज यहाँ पे इन्होंने अकाउंट समरी जितने भी मैंने बताया कि पैसे के ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं या फिर वो विद इन द सेमेस्टर आपके अकाउंट में कितने पैसे आपको पे करने हैं या फिर आपने ऑलरेडी पे किए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। एज वेल एज जो मैंने बताया कि डिग्री ऑडिट्स की भी ऑप्शन यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इन डिटेल जाके अगर जानकारी चाहिए तो आप ले सकते डे बाय डे। जैसे कि आप पोर्टल ओपन करोगे गो थ्रू करोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें पता लगने लग जाएगी। तो ये था एक मेरा स्टूडेंट रिकॉर्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताना। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट सर्विसेज। तो ये स्टूडेंट सर्विसेज में बेसिकली सेंटेनियल कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में जो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे जो ऑफकोर्स जो स्कॉलरशिप की मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई है वो वाली आप जाके देख सकते हो। तो स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट एज वेल, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ना आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। जब भी आपको ऑफर लेटर आता है आप आउटलुक में अकाउंट क्रिएट करते हो तभी आपको इधर मैथ्स और इंग्लिश की ये दो चीज़ की टेस्ट देनी होती है अगर आपके कोर्स में मैंडेटरी है तो। तो जैसे कि वहाँ पे जाके आपको कूपन मिलेगा वो ईमेल एड्रेस में, वो जाके कूपन आप फिल करोगे तो आपको वो टेस्ट फ्री होगी। वो अगर आपको ट्यूटर बुक करना है तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एक सेपरेट फैसिलिटी दी गई है। एज वेल एज जो सक्सेस एडवाइज़र होते हैं तो कॉलेज में ना सक्सेस एडवाइज़र आपको हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड से लेके एजुकेशन के लिए, एज वेल एज आप पर्टिकुलर जैसे कि डिप्रेशन या ये कुछ चीज़ें फेस करें तो उसके लिए भी उन लोग हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आपके कोर्स का सक्सेस एडवाइज़र कौन है और उसके साथ आपको कम्युनिकेशन करनी होगी अगर आपको कुछ भी चीज़ में हेल्प चाहिए होगी तो। तो ये चीज़ होने के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि हायर सेंटेनियल यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे जाके आप खुद के जॉब्स के बारे में ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे एक इन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी। एज वेल एज ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप कैनेडा आने के बाद आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि सेल नंबर की अपडेट एज वेल एज आपका एड्रेस से लेके आप कहाँ पर रह रहे हो, आपके सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ये सारे आपको ज़रूरी अपडेट करने सो दैट कॉलेज के पास एक रिकॉर्ड हो। और इसके साथ साथ मैं बताएं तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी है। तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ में पर्टिकुलर आप ट्यूटर भी बुक कर सकते हो या फिर स्टडी रूम चाहिए तो वो भी आप बुक कर सकते हो। तो मतलब कितनी डीप में इन लोगों ने फैसिलिटीज़ दी है। नो डाउट कि यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है बट इन लोग की फैसिलिटीज़ भी देख सकते हो आप कितनी अच्छी है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम ई सेंटिनल के बारे में सेपरेटली बात करना है तो इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द ई सेंटिनल। तो चलो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ई सेंटिनल की तरफ। तो ई सेंटिनल पे जाने के बाद आपको ऐसा कुछ पोर्टल दिखेगा तो टाइम आप खुद का जो ज़्यादा टाइम है वो यहाँ पे स्पेंड करने वाले हो तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स इन लोगों ने ऊपर दिए गए। तो यहाँ पे ये जो है इस पे जाके आप आपके कोर्सेज में जा सकते हो, पर्टिकुलर कोर्स में जाना है तो। इसके बाद मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे उन्होंने एक ईमेल की फैसिलिटी एज वेल एज यहाँ पे नोटिफिकेशन अलर्ट आते रहते हैं कि कौन सी असाइनमेंट कब ड्यू है या कौन से प्रोफेसर ने जूम मीटिंग के रिकॉर्डिंग रिलीज़ किए, ये सारी चीज़ें। एज वेल एज अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे सारे कोर्सेज दी गए। एज वेल एज राइट साइड में यहाँ पे जो टर्निटिन सेल्फ चेक ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर आपने कोई असाइनमेंट बनाई है उसके ऊपर आपको पता चलना चाहिए कि कितने परसेंट प्लेजरिज्म है बिफोर सबमिटिंग दैट असाइनमेंट। यहाँ पे ऐड फाइल की ऑप्शन जैसे कि दी गई है, यहाँ पे आप अपलोड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके असाइनमेंट में 10% 12% 15% प्लेजरिज्म है। तो 15 से लेके 20% के अंदर चल जाता है, उसके ऊपर रहेगा तो नहीं चलता है। प्रोफेसर उसे प्लेजरिज्म कंसिडर किए जाते हैं तो यहाँ पे प्लेजरिज्म का बहुत सीन है। तो मैं अगर बात करने हैं तो हम लेट्स सपोज कि एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जाते हैं फिर आपको बताता हूँ। तो लेट्स से मैंने एक कोर्स सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं आपको ये जो मेन टूल बार है उस पर आपको दिखता होगा कि यहाँ पे कंटेंट ग्रेड्स असाइनमेंट्स कम्युनिकेशन एंड टू ऐसे कोर्स टूल ऐसे बहुत सारे दिए गए। एज वेल एज यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये डेली न्यूज़फीड प्रोफेसर लोग अपडेट करते रहते हैं। तो इसमें मैं मेन बात करने हूँ तो ये कंटेंट में आपको वीक वन में क्या पढ़ना है, वीक टू में क्या पढ़ना है, वीक थ्री में क्या पढ़ना है, ऐसा कोर्स ओवरव्यू सारा दिया गया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एज वेल एज यहाँ पे जूम रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है, लैब्स और असाइनमेंट्स कैसे क्या है, कौन से डेट को सबमिट करनी, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। उसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँ तो फिर अगर आप ग्रेड्स में जाओगे तो आपको ग्रेड्स में पता चल जाएगा कि ये डिस्कशन बोर्ड मैंने की तो उसके कितने ग्रेड्स लगे, एज वेल एज ये असाइनमेंट सबमिट करने के मेरे को कितने ग्रेड्स लगे। तो यहाँ पे असेसमेंट का सेक्शन है, इसमें आपको देखो असाइनमेंट सबमिट करने का ऑप्शन यहाँ से, एज वेल एज क्विजेज यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, और वीडियो असाइनमेंट अगर आपको कुछ होगी तो आप यहाँ पे वीडियो बना के सबमिट कर सकते हो।
तो इसमें मैं नेक्स्ट चीज की बात करने वाला वो है कम्युनिकेशन, जो जिसमें आपके क्लासेस मतलब कौन कौन स्टूडेंट आपके बैच में हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, एज वेल एज डिस्कशन बोर्ड्स कौन से कंप्लीट करने वो, और आपके ग्रुप असाइनमेंट्स हो गए तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है, एज वेल एज कोर्स टूल में जाके देखोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पता उसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको यहाँ से पता लगेगी। ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट लाइक हाउ टू यूज कॉलेज पोर्टल। आई होप सो ये वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प हो गई होगी। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, एज वेल एज मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो करता होगा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर रीच आउट करना इफ यू हैव एनी क्वेरीज। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करके जाए, एंड अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन। अंटिल देन कीप वॉचिंग लॉस्ट इंडियन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। वाइब चेक, दुआ में जरूर याद रखना। बाय।